हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक तैयार कर रही हूँ। आज मैं चिया सीड ले रही हूँ पहले, और कभी एप्पल साइडर विनेगर, कभी चिया सीड, ऐसे फिर बदल करके लें आप लोग। और इसकी जगह पर आप मॉर्निंग ड्रिंक ना शुरुआत आप कर सकते हैं, जैसे मेथी पानी हो गया, अजवाइन पानी, जीरा पानी, धनिया पानी, ये सब भी आप पी सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एप्पल साइडर विनेगर हम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं पी पा रहे हैं, और या तो कुछ लोग परेशान भी हैं कि एप्पल साइडर विनेगर से ही वेट लॉस होगा क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धनिया पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, ये सब से भी वेट लॉस होता है, और ये सब भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है वेट लॉस में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है चिया सीड आप लो या फिर एप्पल साइडर विनेगर लो, ठीक है। जो जिसके पास है वही आप लोग खाओ और पियो, ठीक है। और ये नहीं कि फलाने ये ले रहे हैं, चीने ये ले रहे हैं तो मैं भी वही चीज़ लूँ तभी मेरा वेट लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस फोकस ये रखो कि खाना को चबा करके खाओ, इतना चबाओ कि बिल्कुल से लिक्विड हो जाए। और दूसरा चीज़ कि आप एक्सरसाइज करो, ठीक है। एक्सरसाइज और खाना चबा कर खाने से ही वेट लॉस होगा, ठीक है। बाकी आपको जंक फूड हो गया, मीठा हो गया, यही सब कुछ अवॉइड करना। बाकी हर चीज़ आप घर का खाना सब कुछ आप खाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, बेटी के लिए लंच तैयार कर दिया है, स्कूल के लिए टिफ़िन, और पूड़ियाँ मैं तोड़ करके रख देती हूँ तो उसको खाने में आसानी होती है। यहाँ पे मैंने फ्रूट में रख दिया है, आम रख दिया है, सॉरी। तो पूड़ी और सब्ज़ी बनाया था मैंने उसके टिफ़िन में। ये देखिए, ये मैं केला दिखा रही हूँ, मेरे सब्ज़ी वाले प्लाट से ये निकला हुआ है केला, कितने बढ़िया बढ़िया है देखिए। और ये पकने के लिए रखा जाएगा और मैं कुछ सब्ज़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि केले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए, दो झोले में है, बहुत ढेर सारा है। ये मेरा एक सब्ज़ी वाला प्लाट है, उसमें सब्ज़ियाँ होती हैं। एक सिस्टर हैं, सुमन सैनी नाम है उनका, और वो मेरा ही वीडियो देख करके वेट लॉस जर्नी अपना शुरू की थी, 32 बार स्टार्ट की थी। तो उनका कहना है कि 104 किलो की थी वो और अभी 86 की हो गई हैं, और बहुत ही अच्छा खासा उनको रिजल्ट मिला है सच में। तो ऐसे ही आप लोग अपना मनचाहा वेट लॉस कर लो। ये देखिए, ये अमरूद भी मेरे प्लाट से ही आया है, बहुत सारे अमरूद निकल रहे हैं। उसके बाद से मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने सब्जियाँ लेकर के, सब्जी काट लूँगी मैं यहाँ पर। और एक और सिस्टर है, उनका कहना है, उनका नाम जो है आईडी सरवन दीक्षित करके है, मैं रानी, हाँ उनका नाम रानी है, रानी दीक्षित। 5 किलो कम हुआ है उनका एक महीने में, 90 था अभी 85 की हो गई है 32 बार से और एक्सरसाइज से। वेरी गुड, आप लोग 32 बार भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सभी को बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिला और खुशी इस बात की है कि सभी लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हो 32 बार, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ कि सभी लोग मतलब एक रूटीन पर आ गए हो और सोच लिए हो कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ परवल और आलू की, और एक सब्ज़ी बना रही हूँ करेले की, और दाल बन रहा है और रोटी बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना ले लिया है और मैं खा लूँगी, इंटरमीटेंट फास्टिंग मेरा ख़त्म हुआ, मैं खाना खाऊँगी फाइनली। हेलो, तो खाना खा लेते हैं। 10:13 हो रहा है, आज मेरा फास्टिंग 10 बजे ही टूटा है, क्योंकि मैंने शाम को 6 बजे ही खाना खा लिया था। शाम को 6 बजे ही मैंने खाना खा लिया था, फिनिश हो गया था मेरा खाना, मेरा फिनिश हो गया था 6 बजे ही। आम भी लिया है मैंने, एक आम लिया है, और दाल रोटी सब्जी, करेले की सब्जी, आलू परवल की। बाबू आ जाओ खाना खिला दो, आ जाओ। मैंगो खाना है, आ जाओ आ जाओ, आओ खिलाओ, आओ बैठो, यहाँ आके बैठो, वहां उतने दूर कहाँ खिला पाऊंगी। और एक सिस्टर है, उनकी आईडी है आंचल, आंचल यूके, यूके ही है करके, आप कहाँ से हैं सिस्टर कमेंट में बताइएगा जरूर। उनका कहना है कि मैं, उन्होंने हिंदी थोड़ा सा अजीब लिखा है, मतलब उनको, उनका कहना यह है कि उनके पैरों में, उनके घुटनों में दर्द होता था, चल भी नहीं पाती थी ठीक से, अब मैं काफ़ी चल लेती हूँ आपकी वजह से, थैंक यू दी, थैंक यू, जितना भी बोलूँ कम है, और आज मुझे कोई परेशानी नहीं है, कहीं दर्द नहीं होता है। और उनका 2 मंथ में 20 किलो वज़न कम हुआ है, स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रही हूँ, देख लो आप लोग।
तो 2 महीने में 20 किलो वजन कम, बाप रे बाप, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिला है, वेरी गुड। उनका कहना है कि 20 केजी वेट लूज़ हुआ है। थैंक यू दी अनुदी की जय, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। और मेरी ही सिर्फ नहीं मेहनत है, आप लोगों की भी मेहनत है, मेहनत मैं भी करती हूँ, वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेरा मेहनत होता है और आप लोग के भी बहुत सारा इसमें मेहनत है, ठीक है। सिर्फ मेरे पर ही, मतलब मेरा ही नहीं क्रेडिट बनता है, आप लोग का भी क्रेडिट बनता है ये कि आप लोगों ने इतने अच्छे से किया है फॉलो, कि इतना अच्छा खासा आपका वेट लॉस हुआ है ना। 2 मंथ में 106 किलो की थी, ओ मेरे जितने ही थी 106 किलो की थी, अभी 86 की हो गई हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है आपको। तो यहाँ पे मैंने अपना ग्रीन टी ले लिया था खाना खाने के बाद, और शाम का ये चाय बनाई हूँ और नाश्ता था और कुछ। तो यह देखिए, हम पार्क आ गए थे और पार्क में बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया है, अब टहल नहीं मिलेगा हम लोगों को। और एक सिस्टर का कहना है कि एक्सरसाइज करने से बहुत पेन हो रहा है, तो उनका आईडी है फूड प्लाजा नाम, पता नहीं क्या है। तो देखिए, एक्सरसाइज करने से पेन होता है, जब हम शुरू में करते हैं ना तो 5-6 दिन पेन होता है, उसके बाद से फिर आदत जब हो जाती है ना बॉडी को, तो फिर नहीं पेन होता है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रखिए, एक्सरसाइज बंद मत करिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आ रहे हैं हम लोग पार्क से घर। बाबू क्या खाएगा? हेलो, ये बाबू खाएगा? ये बाबू मेरा प्याज खाता है, ये प्याज खाते हैं, इनको प्याज पसंद है। दूध पिएगा? दूध। अच्छा लो लो लो, तो सोकर कौन खाता है? बैठ के खाओ, लो। तो मैंने ले लिया है अपना स्प्राउट, और इसमें ये जो लैया उस दिन मैंने बनाया था ना नमकीन, वो भी मैं डाल लेती हूँ। थोड़ा सा ये रहता है, मतलब एक मुट्ठी ये रहता है तो एक मुट्ठी स्प्राउट रहता है, तो ये मैंने ले लिया है, मैं इसको खा लूंगी अच्छे से चबा चबा कर। और मैंने लिया है मैंगो आम, लिया है एक आम, गुठली इसकी मैंने वहीं पे खा लिया क्योंकि यहाँ पे खाने में दिक्कत होती, चू जाता। और एक आम मैंने किचन में ही खाया, जो देसी वाला आम होता है ना छोटा छोटा सा, तो वो वाला उसको चूस कर खाना होता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो देसी वाला मैंने खाया एक, यहाँ पे खाती तो दिक्कत होता चूसने में चू जाता, तो वो वाला मैंने खाया। और ये लेकर आई हूँ, तो एक पीस तो इसमें बाबू खा जाएंगे, उनके इनको खिला दूंगी और एक पीस मैं खाऊंगी। और आम से बिल्कुल भी मेरा हो नहीं रहा है, मैं आम खाई जा रही हूँ क्या ही करूँ, नहीं कंट्रोल हो रहा है, कोई नहीं, बस 10 दिन का और आम है, उसके बाद से सीजन खत्म। पिछले सीजन में भी नहीं खाई, वेट लॉस के ही लिए, वेट लॉस के ही चक्कर में, यार जिंदगी है तो थोड़ा सा तो खाना पीना बनता है ना। अभी हम यंग हैं, अभी नहीं खाएंगे तो फिर बाद में, तो और भी बॉडी जब काम नहीं करती है, डाइजेशन सिस्टम बेकार सा हो जाता है, तो वैसे ही नहीं कुछ पचा पाता है, तो तब भी नहीं खा पाएंगे, और अभी डाइट के चक्कर में ना खाए, है ना। तो 32 बार करते रहना है, सब कुछ खाते रहना है, जो लोग वेट लॉस कर लिए हैं, है ना। रही बात 2-4 किलो वजन कम करने का, तो आगे पीछे होता रहेगा। वैसे मैंने सोचा था इंटरमीडिएट फास्टिंग करके इसी महीने 2-3-4 किलो अपना जो भी है अपना वजन कम कर लूंगी, बट अब मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि उस दिन वाटर पार्क गए थे, उस दिन भी जंक फूड खाना पीना हो गया था, वहां पर सब होता है ना, तो उस दिन भी मैंने जंक फूड पूरा खा लिया था, जो कुछ भी सब वहां पर खाया गया था, तो मैंने भी सब खाया, तो पता नहीं, जंक फूड भी खा लिया, आम भी खा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, वेट लॉस होगा कि नहीं होगा, कोई नहीं, ना हो बट बढ़े ना, है ना, इसी में मुझे संतुष्टि है, बढ़े ना ठीक है। तो है कम से कम 32 बार में कि इतना कुछ खाओ पियो फिर भी, और 32 बार कर रहे हो तो वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर टेंशन में रहती थी, जो कुछ भी ऐसा जंक फूड का टाइप का कुछ खाती थी ना, तो यही होता था, खा तो रही हूँ वजन बढ़ेगा, मतलब संतुष्टि नहीं रहती थी, खुशी नहीं रहती थी उस चीज़ को खाने पीने का, है ना तो अभी ऐसा नहीं होता है, अभी यही होता है कि जंक फूड खा रहे हैं उसको भी 32 बार चीव करके खा रहे हैं, तो टेंशन नहीं होता है कि वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये सही है। तो चलिए मैं अपना कर लेती हूँ डिनर। बाबू आपको मैंगो खिला दूँ? आप मैंगो खा लो, इनका दूध लेकर आई हूँ, दूध पियेंगे या सो जाएंगे। इसमें मिर्ची नहीं डाला तो मैंने मिर्ची ले लिया है। आ जाओ आ जाओ, मैं मैंगो खिला दूँ आपको। ये खाएगा ये? हाँ नहीं खाना, बैठो।
और एक सिस्टर थी, उनका कहना था कि जो आपने 32 बार से शुरू में वेट लॉस किया था, शुरू में मैंने जब 32 बार को ज्वाइन किया था मेरा बहुत ही तेज़ी से वेट लॉस हुआ था ना, और लगभग 1 महीने 8 दिन हुए थे तो उसमें मेरा 10 किलो वज़न कम हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि वो वाला आप रूटीन बताइए। तो उस टाइम देखिए, पहले मैंने ना हफ्ते दिन करके देखा था कि पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 32 बार सच में मतलब इससे वेट लॉस होता है क्या खाना चबाकर खाने से। तो मैंने ना शुरू किया था, 1 हफ्ते करीब मैंने किया तो मुझे बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिला था। 2 केजी मेरा वेट लगभग कम हुआ था और मैं बहुत ही हल्का फील कर रही थी, बहुत ही मेरा बॉडी जो था ना एकदम लाइट वेट मतलब हो गया था, बहुत ही हल्का फील हो रहा था मुझे। तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये वर्क कर रहा है, मैंने वेट भी चेक किया तो मेरा वेट कम हुआ था 2 केजी। तो मैंने 1 महीने खूब अच्छे से किया, मैंने जंक फूड नहीं खाया था, मीठा नहीं खाया था। मॉर्निंग से मैं रूटीन बता दे रही हूँ क्या कुछ मैंने खाया पिया था। मॉर्निंग में जब मैं उठती थी तो मैं उस टाइम ठंडी का महीना था तो अजवाइन पानी, जीरा पानी, धनिया पानी, सौंफ पानी, ये सब कुछ मैं अलग अलग दिन करके पीती थी। ब्रेकफास्ट में मैं 9 से 10 के बीच में मैं ब्रेकफास्ट करती थी। उस टाइम में मैं ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट लेती थी, ज़्यादातर मैंने एप्पल खाया था, एप्पल और पपीता, ठीक है। उसके बाद से मेरा लंच जो होता था, मैं रोटी मैं मिक्स आटे की ली थी, गेहूं का नहीं खाती थी, चावल बिल्कुल नहीं खाया था मैंने, मिक्स आटे की रोटी एक और सैलेड ढेर सारा मैं लेती थी, दाल लेती थी और हरी सब्जी, और ये मसाले वसाले वाली जो अभी मैं खा लेती हूँ ना, मतलब खाना अभी तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ बट ये सब मैंने अवॉइड किया था, बहुत तेल मसाला नहीं मैंने खाया था। और ग्रीन टी मैं 4 बार लेती थी उस टाइम में, मैं ग्रीन टी 4 बार लेती थी सुबह से शाम तक, ठीक है। और खाना मैं 8 बजे के पहले ही खा लेती जो रात का डिनर था, और उस डिनर में मैं ज़्यादातर ओट्स वगैरह लेती थी, ओट्स हो गया और चीला हो गया, ये सब मैं लेती थी, ठीक है। अब बाकी अगर दिन में ऐसे भूख लग रही थी तो मैं कभी स्प्राउट ले ली शाम के टाइम में, और फ्रूट मैं ज़्यादा खा रही थी उस टाइम में, फ्रूट और सैलेड मैंने बहुत खाया था, ठीक है। तो यही मेरा रूटीन था और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिया था। हाँ, दूध मूसली मैंने मंगाया था, दूध मूसली भी मैं उस टाइम में खा रही थी डिनर के टाइम जो था, दूध मूसली हो गया ये मैं खाती थी, और ये ओट्स हो गया, ओट्स का चीला हो गया, ये सब मैंने खाया था, ठीक है। तो ये मेरा रूटीन था। और हाँ, उस टाइम मैं पानी तो मैं 3 लीटर हमेशा ही वेट लॉस की जर्नी में मैंने पिया है, उस टाइम मैं गर्म पानी पीती थी, दिन भर मैं गर्म पानी पीती थी, और एक्सरसाइज भी मैंने किया, तो मैं एक्सरसाइज मैं कम की थी, वॉक मैंने खूब किया था उस टाइम पे, मैं वॉक जाती थी तो घंटों घंटों मैंने वॉक किया था और एक्सरसाइज भी किया था, दोनों मिक्स किया था, पर मैं डेली ही की थी। यही था मेरा रूटीन, ठीक है। तो आप लोग भी यही सब कुछ फॉलो करो। देखो मेन है ना, आपके घर पे जो भी है आपको तेल मसाला पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी बाहर का जंक फूड यही बस नहीं खाना है, बाकी आप सब कुछ खाओ पियो और बस चबा करके खाना है आपको, इसी से आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। तो डिनर के बाद मैं ये अपना ग्रीन टी पी रही हूँ। तो चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। आज के लिए बस इतना ही। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा, क्या कुछ निकलता है मुझसे। बाय बाय।